आज से शुरू होगी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही। 13 फरवरी तक चलने वाले सत्र में सरकार पेश करेगी लेखानुदार बजट, कई संशोधन विधेयक लाने की भी तैयारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग, 6000 से ज्यादा कर्मचारियों को की जाएगी ट्रेनिंग, आज से शुरू होगा प्रशिक्षण कार्य। वृंदावन में आज अक्षय पात्र की 300 करोड़वीं थाली का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बच्चों को भोजन परोसेंगे, साथ में भोजन भी करेंगे। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर आज दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे चंद्रबाबू नायडू। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे की तैयारी पूरी, आज लखनऊ में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी, तो जाने से पहले प्रियंका ने जारी किया ऑडियो संदेश, कहा मैं प्रियंका गांधी आपसे मिलने आ रही हूं। सीएम गहलोत ने आंदोलनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील, वहीं फैसला ट्रैक पर ही वार्ता पर अड़े, तो अब भरतपुर गुर्जर समाज का प्रतिनिधिमंडल बना मीडिया। मलाना में डूंगर में आंदोलन के ट्रैक पर गुर्जर समाज, धौलपुर में भीड़ और पुलिस ने झड़प, वाहनों में लगाई आग, कई जिलों में हाईवे किए गए जाम। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला का अजमेर दौरा, गुर्जर आरक्षण पर दिया बड़ा बयान, कहा राज्य और सरकार और केंद्र मिलकर सुलझाएं इस मसले। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया जयपुर ग्रामीण का दौरा, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का किया अनावरण, कोटपुतली में सामूहिक विवाह सम्मेलन में की शिरकत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा आप चुनाव हारने और छुरा घोंपने में सीनियर, आंध्र प्रदेश के सपनों को चकनाचूर करने का लगाया। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस ने देश की सुरक्षा की अनदेखी की, एनडीए के अच्छे कामों ने कुछ लोगों को किया दुखी। कर्नाटक में मोदी बोले, कहा इतिहास में पहली बार 5 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर किया गया, साथ कांग्रेस जेडीएस की सरकार को भी लिया आड़े हाथ। राफेल डील पर कैग रिपोर्ट तैयार, बजट सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट, बड़ा सवाल सचाएगा सामने। राहुल गांधी पर अरुण जेटली का तंज, फेल स्टूडेंट हमेशा क्लास के टॉपर से नफरत करता है, कांग्रेस पर भी नकली अभियान चलाने का आया। प्रियंका गांधी पर एक और बीजेपी सांसद का बयान, बस्ती के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी बोले राहुल फेल हैं तो प्रियंका भी फेल हो जाएंगी। पीडी से पूछताछ के बाद पहली बार वाड्रा की आई प्रतिक्रिया, फेसबुक पर छल का दर्द, लिखा सच्चाई की हमेशा जीत होती। कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, शिलांग में फिर की गई पूछताछ, राजीव कुमार के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट। टीएमसी विधायक की हत्या पर सुलगी बंगाल की सियासत, एफआईआर में मुकुल रॉय का नाम, टीएमसी ने लगाया बीजेपी और मोदी पर साजिश रचने का आरोप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, 112 पहुंचा मौत का आंकड़ा, सहारनपुर में 10 पुलिसकर्मी निलंबित, तो जहरीली शराब से मौत पर आबकारी मंत्री ने मानी चूक। मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया घटना को दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जांच की जाएगी, उत्तराखंड के सीएम से भी बातचीत की बात कही, वहीं अखिलेश यादव ने कसा पंच। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया, कहा न नरेंद्र मोदी न राहुल गांधी, कोई और ही बनेगा प्रधानमंत्री। मिशन 25 के योद्धा फाइनल करने में जुटी कांग्रेस, पीसीसी की चुनाव कमेटी के सदस्य भी दौड़ में शुमार, 12 फरवरी को होगी दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर, इनमें से एक पीएचडी स्कॉलर बताया जा रहा है। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, आग को बुझाने के लिए पहुंची दर्जनों फायर ब्रिगेड, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। हैमिल्टन टी20 में 4 रन से भारत की हार, न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, टी20 के इतिहास रचने का मौका गवाया। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंड, जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट, सीकर के फतेहपुर का पारा फिर पहुंचा माइनस में, हड़ौती शेखावटी में ठंड और शीतलहर ने छुड़ाई।
बसंत पंचमी पर प्रयागराज में तीसरा शाही स्नान, करीब 2 करोड़ लोगों ने किया स्नान। बसंत पंचमी पर हुई सरस्वती पूजा।